रेडियो झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। बंसीधर नगर से हमारे संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। बंसीधर नगर कुछ दिन पहले ही एक साथ 20 कोरोना संक्रमण मिला था। गढ़वा को रेड जोन करार दिया गया है। यहां पर खुद को अभी भी सेफ जोन में समझते हुए आम आवाम के साथ प्रशासनिक महकमे द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जो निश्चित रूप से खतरे से खाली नहीं है। गढ़वा जिला में कोरोना संक्रमित पाए गए सभी प्रवासी मजदूर हैं और अभी भी लगातार कई प्रदेशों से मजदूरों का आना जारी है। एक तरफ कुछ मजदूर जांच हेतु बंसीधर नगर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंच रहे हैं, वहीं मजदूरों को जांच कर डॉक्टर के अनुसार उन्हें होम क्वारंटाइन हेतु हिदायत करते हुए भेजा जा रहा है। पर क्या अस्पताल, क्या सड़क और क्या ड्यूटी रूम, सभी जगह इस्तेमाल किए गए ग्लव्स फेंके जाने के कारण लोग दोहरी दहशत में जीवन बसर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ उन्हें कोरोना डरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह फेंका हुआ मास्क और ग्लव्स वायरस के करीब ला रहा है। प्रखंड के गरबांध निवासी मुकेश भुइया ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों के द्वारा लापरवाही जो खतरे का सबब बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उपयोग किया हुआ ग्लव्स आप यूं ही नहीं फेंक सकते, लेकिन यहां तो यह महामारी के साथ साथ 20 संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद भी ग्लव्स बाहर फेंके जा रहे हैं। बंसीधर नगर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर के साथ साथ जहाँ बड़ी संख्या में मजदूरों की स्कैनिंग हो रही है, वहां भी मास्क और ग्लव्स फेंके पड़े हैं। इस संबंध में अनुमंडलीय अस्पताल में ओपीडी सीएचओ दिनेश कुमार ने कहा कि ग्लव्स को इस्तेमाल करने के उपरांत फौरन उसे नष्ट कर देना है। उसे यूं ही फेंकना तो बिल्कुल संक्रमण को न्योता देने के बराबर है। इधर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुचिता कुमारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं माँ उग्रतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।